यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। इफ ए चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इट्स पाथ बी अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स। डिस्कस द सिचुएशन व्हेन द लाइंस ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट एंड व्हेन दे आर कर्व्ड। तो मतलब ये उनके डाउट होते हैं जिनको मैकेनिक्स ढंग से नहीं आती, जिनको मैकेनिक्स आती उनमें उनको कभी ऐसे क्वेश्चन में डाउट नहीं आता। तो देखो भैया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है तुम्हारी ना, जैसे ये है, यहाँ पे तुमने एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया रेस्ट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा ना। हाँ, यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा है ना, रेस्ट से छोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो जी, या फिर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हारी ऐसी थी, यहाँ पे भी तुम चार्ज पार्टिकल को अगर छोड़ दोगे तो वही वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, इसमें एनिमेशन में बहुत क्लियरली दिख रहा है ना, जैसे तुमने यहाँ से रेस्ट पे छोड़ा तो देखो ब्लू कलर से अपन फोर्स दिख रहा है यहाँ पे। देखो अभी तो फोर्स इधर पे है तो वो उसके लाइन के अलोंग जा रहा है, पर देखो अब उसके पास वेलोसिटी आ गई, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर, अब उसका पाथ कर्व्ड हो जाएगा, वो उस लाइन पे नहीं जाएगा, क्योंकि अब वो वेलोसिटी भी तो गेन करता जा रहा है ना, वो समझो वो वेलोसिटी भी तो गेन करता जा रहा है, तो वेलोसिटी उसको मूव करेगी, तो इसका पाथ कुछ ऐसा चला जाएगा पार्टिकल का, है ना। पार्टिकल उस रास्ते पे मूव नहीं करता जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, पहले सुनो, पार्टिकल वहां नहीं जाता जहां फोर्स होता है, पार्टिकल वहां जाता है जब वेलोसिटी होती है। फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, उस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी नहीं आती। तो अगर पहले से पहले वेलोसिटी वो कहीं भी जा सकता है, जैसे अगर मैं अगर पेन को ऐसे फेंकूंगा, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ है, वो नीचे के रास्ते में थोड़ी ना जा रहा है भाई, वो तो वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन में जा रहा है ना, है ना। फोर्स तो वेलोसिटी को फिर चेंज कर रहा है ना। आई थिंक इट क्लैरिफाइज, राइट, है ना।